व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दो, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लाइंड अप है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है फुकरा भाई की वीडियो। और भाई, तुम लोगों ने मेरे को बहुत मैसेजेस करे थे कि भाई UPI कोड लगा दो, हम सुपर थैंक्स वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई ठीक है भाई, लगा दिया UPI कोड, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है। जिसका जो कंफर्टेबली सपोर्ट करने का मन करे चैनल को कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ फुकरा इंसान की। और भाई ये वीडियो आई है, आई ट्राइड ईटिंग एट द वर्स्ट कॉपीज ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट्स। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लेट्स वॉच इट। जॉइंट्स आर इन डेंजर, वो कहते हैं ना, एवरी मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी। चाहे डोमिनोज हो, चाहे स्टारबक्स हो, चाहे बर्गर किंग हो, सबकी कॉपी मार्केट में आ चुकी है और किसी किसी पे तो केस भी हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? Okay. और मैं तुम्हें इस वीडियो के दौरान दो चीज़ें बोलना चाहूँगा कि अब मेरी मिस्टर बीस की वीडियोस पे भी रिएक्शन आएंगे। तो इसके बाद जो अगली वीडियो आ रही है वो मिस्टर बीस की कल वाली वीडियो पे रिएक्शन आएगा, वो भी देख लेना। और एक चीज़ तुम्हें मैं और बता दूँ, मेरे को अभी अभी ध्यान आया कि मिस्ट्री बॉक्स वीडियोस के जो स्कैम चल रहा है उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है। एक मीम चैट करके कंपनी है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर वाली, तो वो ज़रूर देखना। विद प्रूफ है वो वीडियो, वो मतलब अगले एक या दो दिन में आ जाएगी। मतलब आज मिस्टर बीस्ट वाली आएगी, कल मीम चैट के ऊपर वीडियो आएगी, तो वो भी देख लेना। एंड लेट्स वॉच दिस वीडियो। हम जाएंगे इन्हीं चीप कॉपी रेस्टोरेंट्स में और वहां जाके हम ऑर्डर करेंगे उनका बेस्ट सेलर फूड और हम उनको रेटिंग देने वाले। अगर किसी की भी रेटिंग 10/10 हुई तो समझ लेना भाई, उस चीप कॉपी ने अपने मेन इंस्पिरेशन को ही पार कर दिया और आज से मैं वहीं जाऊंगा। ऐसा होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक कॉपी नहीं था, इट वॉज नॉट एट ऑल अ कॉपी रेस्टोरेंट। मुंबई में अमेरिकन चिकन करके कुछ था, वो KFC वाला सेम प्रोडक्ट बना लेते थे। मतलब वो बोलते नहीं थे कि वी वर लाइक KFC, तो वो KFC वाले ऑलमोस्ट सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स बना लेते थे, बट दे वर बेटर देन KFC। 10/10 है KFC के पापा जी, ये बेस्ट है। तो हम स्टार्ट करेंगे डोमिनोज की चीप कॉपी जिसका नाम है रोमिनोज। तो गाइस, मैं हूँ गुड़गांव की सफायर सेक्टर 83 मॉल में और यहाँ पर है डोमिनोज। बट आओ, मैं इससे बढ़िया चीज दूंगा, आ जाओ। मतलब मैं बता रहा हूँ भाई, इसी मॉल में दो डोमिनोज हैं, बट बेशर्मी की हद में ये दिखाऊंगा कि यही साइड में खोल दिया है रोमिनोज। आ जाओ। और ये है रोमिनोज। भाई साहब, मैं अभी इसका बाहर से ही मेन्यू जब देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो कॉपी पेस्ट हो गया है। अब ये स्वाद होगा या नहीं, हमने जाके इसको देखना है। तो आओ अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। आ जाओ भाई, बड़ा सिमिलर है। अरे ये तो अपना ही मॉल है, टीवी पर दिखा रहे। ओए, तुम क्या कर रहे हो भाई यहाँ पर? हमने डोमिनोज बुलाया, हम रोमिनोज आ गए हैं। अरे वाह, देखो तुम्हें पता होना चाहिए मैं डोमिनोज के अलावा कहीं नहीं खाता। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। मैं एक बात बताऊं, जहां पैसे बचते हैं वहां पर ये दोनों भाई खड़े होते हैं, ये फैक्ट है। तूने ऑर्डर क्या करा है? मैंने भाई तुम्हारे ऑर्डर करा है फार्म हाउस ब्राउनी टाको, जो डोमिनोज मिलता है सेम। क्या बात है, मैं बता रहा हूँ। देखो हमारा टेस्ट है ना, वो तो सेम है, क्योंकि मैं भी फार्म हाउस खाता हूँ, मैं भी टैको खाता हूँ और मैं भी चॉकलेट ब्राउनी खाता हूँ। आधा इंडिया वही खाता है। तेरे को कैसे पता? खाना मुझे नहीं पता भी यहाँ पर कैसा। नहीं, मेरे को डबल चीज मार्गरेटा विद एक्स्ट्रा चीज चीज़ बस बेस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके ऊपर अगर आप नॉन वेज हो तो आप तंदूरी मैं डोमिनोज की रेसिपी क्यों बता रहा हूँ, कभी मौका आएगा व्लॉग में देख लेना। और व्लॉग आप कहाँ पे जाके देख सकते हो, उसके लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाने का है ब्रो, इट इज़ वेरी मच नियर बाय। अरे किधर गेला, ये रहा। हाँ, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो ऐसे होगा, बट पेप्सी का टेस्ट तो सेम ही होगा। वाह, तालियां तो बजती है। जो फार्म हाउस होता है वो वैसे डोमिनोज का कितने का है? 600 रुपए का। यहाँ पर भी लार्ज 600 का ही तो है, 565। फर्क क्या है? प्राइस में टक्कर है भाई, इंटीरियर में भी टक्कर है, प्राइस में भी टक्कर है। आप देखते हैं टेस्ट में टक्कर है या नहीं। ओ हो 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 हो, टेस्ट। अरे वाह, पैकेजिंग भी बिल्कुल सेम है, बस ऑलमोस्ट सिमिलर पैकेजिंग है, बस कलर व्हाइट कर दिया है। वाह, चेंज कर दिया। तो सबसे पहले क्या खाएं? गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड, यार गार्लिक ब्रेड से ऊपर थोड़ी कुछ है। तो भाई ये मैंने खोल दिया गार्लिक ब्रेड, और भाई देखो गार्लिक ब्रेड एक बार डिटो। अरे ये तो मम्मी भी सेम बना लेते हैं मेरे। ओ भाई साहब, चीजी डिप भी है। तो सबसे पहले मैं टेस्ट कर रहा हूँ भाई। सेम कर लो, खुशबू आ रही है भाई, सेम जैसे गरम भी सेम है, बहुत इम्मी है, हॉट है भाई, और हॉट भी है, मिल्ट का नहीं इतना। तू कूल है ब्रो। मैं कूल, मैं क्या, तू है कौन रे?
मतलब चीजी सी लाइन बोल सकते थे इस पे, नामा कूल एक्चुअल बता रहा हूँ गार्लिक ब्रेड का टेस्ट मैं आई एम नॉट किडिंग भाई, गार्लिक ब्रेड 10 में से 10 तू क्या कह रहा है मजा आ गया सेम गार्लिक ब्रेड से तो मुझे रोमिनोस की प्यार हो गया भैया किसने बनाई है क्या गार्लिक ब्रेड बनाई है स्वाद क्या काम किया है तो भाई मैं कहता हूँ गार्लिक ब्रेड तो भाई डिट्टो कॉपी पेस्ट हो चुकी है सही बता रहा हूँ बहुत स्वाद है। अब बारी है पिज्जा खाने की और फार्म हाउस पिज्जा मैं जेन्युइन बता रहा हूँ ये भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा बल्कि मुझे ऐसा लगता है डोमिनोज के जो फार्म हाउस पिज्जा होते हैं ना वो थोड़े से कम फ्लफी होते हैं ये फ्लफी बहुत ज्यादा है ये क्या बात है विदाउट चीज बस्ट ही चीज बस्ट है क्या कहना चाहते हो फूड रिव्यूअर अभिषेक कह रहा है कि सॉस शायद थोड़ी ज्यादा थी हाँ बट उसके अलावा जब पीछे जा रहा है टेस्ट वो बहुत स्वाद आ रहा है वेजीज का अच्छा लूंगा मैं गार्लिक ब्रेड वाज 10 ऑन 10 लेकिन ये डोमिनोज को बीट नहीं कर रहा अच्छा नंबर दो तुम कितने दोगे मैं 7 दोनों के बीच का क्या बोला तूने दोनों के बीच का बीच का ही है बीच का ही है अब टैको हो जाए भाई देखो मैं जो टेस्ट करा अभी क्या मीठा बहुत बढ़िया आपको भी सेम बस ये सॉस ज्यादा है तंदूरी में देखो मुझे ऐसा लगता है रोमिनोज ने बहुत अच्छी जॉब कर रखी है खाना बनाने मतलब लिटरली मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था जब मैंने सोचा बट अगर सेम प्राइस पे ही चीजें मिल रही हैं और क्वालिटी बेटर नहीं है तो एक नई जगह क्यों आदमी ट्राई करेगा सिंपल सी बात यह है कि अगर फार्म हाउस इज नॉट अप टू द मार्क एंड इट इज ऑफ 600 ओनली तो क्यों ट्राई करेगा अगर यही फार्म हाउस 400 या 450 का होता तो मेरे ख्याल से लोग शायद डोमिनो स्किप भी कर देते ज्यादा फर्क नहीं है चाहे 19-20 का फर्क हो लेकिन प्राइस डिफरेंस तब मैटर करेगा या तो आपकी क्वालिटी बेटर हो या प्राइस सिमिलर तो मैटर करेगा या आपकी क्वालिटी बेटर हो वो चीज है लेकिन जैसे मैं डोमिनोज है तो डोमिनोज की एक तरीके से कॉपी पे जा रहा हूँ रोमिनोज में कि इतना स्वाद होगा बट एक्चुअली वेरी गुड जॉब मतलब मेरे को लग रहा है क्वालिटी भी बहुत अच्छी है खाना भी बहुत ज्यादा स्वाद है एक बार तो मस्ट विजिट है भाई भैया पहले किसी ने डोमिनोज में काम करा है आपने भैया स्वाद खाना मजेदार तुझे कुछ आवाज नहीं रहा तू तो वाली काउंटर पर बैठा है बड़ा किस्मत की बात है भाई सही बता रहा हूँ रोमिनोज को ओवरऑल अब 10 में से मैं 9 की रेटिंग 9-10 के लिए इनको बस एक वो 5-10% जो होता है ना इम्प्रूव करना वो करना पड़ेगा एक तो एसी में एसी थोड़ा ज़्यादा तेज चले बाकी यहाँ से चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज ऑब्वियसली ओनर ने तो देखी होगी वीडियो तो ओनर के लिए बहुत अच्छा रिव्यू बन जाएगा ये वेरी नाइस कॉपी पे लेट्स गो गाइस ओके गाइस तो नेक्स्ट फर्स्ट कॉपी जिसके मैं आया हूँ भाई उन्होंने तो लिटरली बता रहा हूँ हद कर दी है भाई स्टारबक्स की कॉपी खोल रखी है सरदार जी बक्स और भाई ऐसी कॉपी खोल रखी है कि दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया ब्रो क्या था ये कॉपी खोल रखी है सरदार जी बक्स सरदार जी बक्स कॉफी और भाई ऐसी कॉपी खोल रखी है कि सरदार में जो ए है ना उसमें ए है ही नहीं बेचारा ए गायब कर रखा है बट कोई नहीं भाई स्टारबक्स वर्सेस सरदार बक्स ये इतना ज्यादा केस फेमस हो गया था ना लिटरली भाई सरदार बक्स को अपना नाम चेंज करना पड़ा उनको सरदार बक्स में JI ऐड करना पड़ा तो आओ हम आके देखने वाले हैं कि भाई सरदार बक्स ने सिर्फ नाम चेंज करा है या अपना मेन्यू भी चेंज करा है अच्छा ये भाई फूड स्टोर के ऊपर बना रखा है कॉफी हाउस छत पर ऐसी खुफिया एंट्री बना रखी है ना सरदार जी बख्श ने अंकल जी तड़ा नमस्ते ये ऊपर सरदार जी बख्श है इसकी कॉफी वॉफी पी आपने नहीं पी कॉफी मतलब नहीं पी तो आप क्या करते हो नीचे मैं तो काम करता हूँ कहाँ पर अच्छा यहाँ काम करते हो ऊपर कॉफी नहीं पी यहाँ लोग आते हैं कॉफी पीने पता नहीं देखे देखते भी नहीं अंकल जी आपका स्वैग है क्या बात है यार आई लव अंकल जी यार सच्चा क्यूटी किसी किसी अंकल के नहीं 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 आओ भाई आओ देखे सरदार बख्श या फिर स्टार बक्स ओ भाई देखो बाहर से तो ऐसा ही लग रहा है थोड़ा लक्कड़ वक्कड़ सी लगा रखी है लोग वोग भी नहीं लग रहे बट अंदर क्या होगा ओ देखें क्या इसका मेन्यू मुझे इम्प्रेस करेगा या नहीं हेलो नाइस अंदर से जगह अच्छी लग रही देखने में सिंपल है कॉफी एक्चुअली मेरे को अगर मेरा पूछोगे CCD वाली वाइब ज्यादा लग रही है
स्टारबक्स वाली तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे। वाओ यार अच्छा लग रहा है। मतलब मैं बताऊं स्टारबक्स जब भी मैं जाता हूं वहां पर ऐसे अंग्रेज बैठे होते हैं और सब अपना अपना काम कर होते हैं। मैंने सोचा था यहां पे लोग काम करेंगे बट दिक्कत की बात ये है यहां पर लोग नहीं है। मैं अकेला हूं। वाओ लेट्स गो। ओ वाओ यार यहां पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहां का मेन्यू स्टारबक्स से बड़ा है। सही कह रहा हूं ना मैं? लाइव मेन्यू है। अरे वाह यार बहुत कुछ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर क्या कॉफी उससे अच्छी मिलती है? बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी मैम, कह रहे हो उससे बहुत अच्छी मिलेगी। देखो यहाँ पर इस वक्त बहुत ज्यादा खाली है तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं लेट भी सकता हूँ, मेन्यू भी लेता हूँ। अरे बाप रे बहुत गंदी लगी। मैडम एक बात बताओ यहाँ सबसे बढ़िया कॉफी कौन सी है? स्टारबक्स में मेरा फेवरेट है कैरेमल फ्रैपचिनो, उसके लेवल पे उससे बहुत बेटर है। यार यहाँ तो फुल कंपटीशन वाइब है यार, मजा आ रहा मुझे देख के। ओहो मैम कर दो एक बढ़िया कॉफी कर दो। मेरे को ऐसा लग रहा है जब मैं यहाँ पर प्राइसेस देख रहा हूँ तो सरदार जी बख्शे प्राइसेस। इंडिया और इंडियन ब्रांड में और अमेरिकन ब्रांड में यही फर्क है। अमेरिकन है पता नहीं जो भी है फॉरेन ब्रांड लगा लो में यही फर्क है कि भाई साहब चिल्ला चिल्ला के भी ऑर्डर देते। लेट्स सी खाना कैसा होता है भाई। एक बात तो है जितना खा लिया उसके बेनिफिट ये है कि सर्विस सुपर फास्ट है। मतलब अभी तो ऑर्डर ही करा था और आ गया खाना। तो भाई सबसे पहले कॉफी पीऊं या सैलड खाऊं? कॉफी पीऊं या पी के खाऊं? आई एम कंफ्यूज्ड। अभी मैं रोमिनोस का पिज्जा खा के आ रहा हूँ, अब मैं सैलड खाऊंगा। डाइट भी चलती रहनी चाहिए और जंक फूड भी। समझ नहीं आ रहा कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है या फिर इससे पहले मैं पिज्जा खा के रहा हूँ इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कॉफी ट्राई करते हैं। भाई लिटरली पीने के बाद मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि स्टारबक्स स्टारबक्स है। सरदार जी बख्श वो तो शक्ल देख के भी लग रहा था यार कॉफी की टोली। ऐसा ना कोई बहुत करेंगे स्टारबक्स के अकॉर्डिंग सरदार जी बख्श को रेट कर ही नहीं सकता। स्टारबक्स फॉर मी इज 10/10, सरदार जी बख्श फॉर मी इज लाइक 5/4/3/2/1। लेकिन अरे जम्बो किंग है यहाँ पे। मतलब ये जम्बो किंग मुंबई वाला है क्या? मतलब मुंबई में तो एक्चुअली क्या है कि मुंबई में हर मेट्रो स्टेशन पे बना हुआ जम्बो किंग। अभी अगर वही सेम वाला है, इनका एक चना बर्गर आता था बहुत टेस्टी होता था, इट वॉज लाइक 15-20 रुपए उस टाइम पे। अभी तो पता नहीं क्या रेट है बट इट वॉज फन यार। मतलब जाओ कहीं से भी कियोस्क लगा होता था इनका, वहां से लो और निकल जाओ। और भाई का तो फेवरेट बर्गर ही कौन सा है? वो सबसे सस्ते वाला जो आता है बर्गर इनका, क्रिस्पी वेज। क्रिस्पी वेज नहीं मेरा फेवरेट ऊपर है, मेरा भी वेजी ज्यादा है ना उसमें। लेकिन अभी हम हैं जंबो किंग में, मेरे को तो ये बर्गर किंग कॉपी लगता है, मैंने कभी ट्राई नहीं करा, लेकिन ये मुझे क्रिस्पी वेज नहीं है कॉपी। वही 50 रुपए का आता है, ये 50 रुपए का है। अब हम नहीं है कॉपी ट्राई करते हैं। और एक और आउटलेट है मेरे पास बर्गर किंग का कॉपी, वो है बर्गर सिंह पंजाबी बर्गर, उस पे भी चलेंगे। हाँ वो ट्राई कर सकते हो। पहले ही जंबो किंग का बर्गर ट्राई करते हैं सबसे सस्ते वाला, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। बाकी महंगा भी ले लेंगे भाई, उधार मंगा लेंगे पैसे, आओ खाते हैं। बर्गर क्या नाम है? क्रिस्पी वेज। लो भाई बर्गर का नाम भी सेम टू सेम है, क्रिस्पी वेज। तो भाई क्या बोलना चाहोगे? 99 में कोल्ड ड्रिंक। हाँ ये मेट्रो में ही है। 99 एक सेकेंड, ये मेट्रो में ही है भाई। हाँ ये वही है वही है वही है, मुंबई वाला ही है। अब ये नहीं पता ये दिल्ली में भी खुले हैं कि नहीं। भाई बोलता है कि हमारे बर्गर में वेजिटेबल्स ज्यादा होते हैं, बर्गर की नहीं होती। आइए देखते हैं मजा आएगा। ये कौन है दोस्तों? तो फाइनली आ गए बर्गर, और ये देखो हमें सबसे महंगी चीज मिली है, 200 सॉस के पैकेट। वरना मैकडी पे तो यार 1 सॉस का पैकेट मिलता है, दूसरे की 2 रुपए लेते हैं एक्स्ट्रा। भाई भाई ने सही बोला था, ये देखो यार अंदर कैप्सिकम है, ओनियन है, टमाटो है, ये देख। वो महंगा बर्गर सी हुए, टेस्ट करके बता कैसा है, मुंह चल गया? Not comparable, बट दोनों अपने अपने जगह पे अच्छे होने चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने काफ़ी देर पहले कहा था, मतलब अराउंड आई हैड इट अराउंड 6 years to 7 years बैक। अभी मुझे पता नहीं क्या टेस्ट मैंने करा होगा।
बर्गर किंग के कंपैरिजन में तो बहुत नीचे। मेरे को सॉस का टेस्ट नहीं है, वही ये लग रहा है कि मैं जो घर में बनाऊंगा ना वो वैसा ही बनेगा। मैंने बनाया था एक बार घर पे, ना कोई नया सॉस है इनका जो सिर्फ यहीं मिलेगा मेरे को, क्योंकि बर्गर किंग का सॉस है ना मिलेगा नहीं, वो खुद बनाते हैं। मैं सॉस की नहीं है, जो उसकी टिक्की खाते हैं ना उसमें जो फ्लेवर आते हैं मुँह में, आपका टेस्ट बहुत बढ़िया है, मज़ा नहीं आया यार। ठीक है, ये चेंज आया मेरे ख्याल से, क्योंकि उस टाइम पे जब जंबो किंग, वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे कंपनी का क्वालिटी लेवल गिर जाता है या रेट बढ़ जाता है, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ उस टाइम पे जब मैंने ट्राई किया था जंबो किंग, एंड इट वाज लाइक दोनों अपनी अपनी जगह पे थे, फिर भी उस टाइम तो बहुत ही सस्ता था ना ये, अभी तो रेट ही बहुत बढ़ा दिए, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस। उस टाइम 20-25 रुपये का बर्गर होता था और यही 10-12 रुपये में कोक दे देते थे ये। तो अगर आप यही किसी और बर्गर रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो 100 रुपए के अराउंड आपको कोको की पड़ जाती है। एवरेज है, ये बर्गर होना चाहिए सिर्फ 30 रुपए का, तो मैं खा भी लूंगा। अब चलते हैं बर्गर सिंग पे। ओके गाइस, तो बर्गर किंग को सबने खाया है, उसके बाद हम गए जंबो किंग खाने ये दोनों, बट मैं आया हूँ प्रीमियम जगह खाने बर्गर सिंग पे। अब तो 400 करोड़ की कंपनी बन गई बर्गर सिंग। और भाई साहब बर्गर सिंह पे यहाँ पर आके मैं मेन्यू देख रहा हूँ, नाम पता कैसे है, चंकी पनीर पांडे बर्गर, उड़ता पंजाब बर्गर। ये देखो ये वाला बेस्ट, इन्फ्लेशन ही मुक्त कर दी भाई साहब। मैंने सुना इनकी जो एक ड्रिंक आती है गुलाबो गुलाबो करके, बहुत फेमस है वो ड्रिंक। वाह मजेदार है भाई, और क्या स्पेशल है भैया, क्या स्पेशल है बताओ। बंटी पापे दी आलू चुरमुर पांडे, वाह 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 वाह। सबसे बेस्ट बर्गर यहाँ का कौन सा है, वेज में से नॉन वेज में? प्योर वेज। वेज में आप ट्राई कर सकते हैं पनीर बर्गर, चंकी पनीर पांडे। चंकी पनीर पांडे मिल रहा है, चंकी आनंदिया पांडे। ओह रियान प्राक को किसने याद किया, मैं तो चंकी पांडे खाऊंगा। चंकी पनीर पांडे खाते हैं। मैं गुलाबो दो चीजें लूं। हाँ है, देखो मेरी गुलाबो, एक गुलाबो और एक चंकी पनीर पांडे। हाँ गुलाबो इज फेमस, और एक होट बिहारी दे देना इसको, चाहे वो सॉस। Yeah. ये बाकी सारे बर्गर से सबसे बढ़िया बर्गर होगा ना, बर्गर इनसे काफी अच्छा है। ले खुला चैलेंज है भाई, अब आने दो बर्गर, अब हम बताएंगे कि कौन सा सबसे बेस्ट है। बट दे आर कॉम्पिटिटिव, मैंने ये सुना है कि, मैंने खाया नहीं है बर्गर सिंह, मैंने जिससे भी सुना है वो यही सुना है कि प्रेजेंटेशन वाइज बर्गर सिंह अप टू द लेवल नहीं है बर्गर किंग के, लेकिन टेस्ट वाइज कहते हैं कि कुछ चीज़ें इनकी बेटर है, कुछ चीज़ें उनकी बेटर है। सिंह आ चुका है और हम इसको खोलने वाले हैं। इसकी पिंक लेमिनेट बड़ी सुंदर लग रही है, ऐसा लग रहा है रोज़ा है। मेरी है वो, गुलाबो। गुलाबो मेरी भाई। ओ सॉरी, गुलाबो को खोल दे भाई। बहुत टैंगी है ये। टैंगी है? ना गुलाबो मैं चखूंगा। लड़कियां खरीदता है। मैं बर्गर टेस्ट कर रहा हूँ। क्या बोलना चाहेंगे, बर्गर किंग से बढ़िया है? बर्गर किंग से बढ़िया नहीं है। ओरिजिनल ओरिजिनल है भाई। मैं झूठी थी वो, पर ये तो बहुत स्वाद है। मैं झूठी थी वो, यम्मी है, प्यार है, प्यार है यार, वही है यार। अरे मैं ऑनेस्टली बोलूं, कई बार ना फूड व्लॉगर्स के केस में भी मैं ये चीज बोलूंगा कि कई फूड व्लॉगर्स को कोई चीज अच्छी लगती है तो वो उसके हिसाब से रिव्यू दे देते हैं। अब जरूरी नहीं है, अब आप चार लोग खाना खाने जाते हो अलग अलग, किसी को एक चीज अच्छी लगे, दूसरे को शायद ना लगे, तीसरे को शायद अच्छी लगे, चौथे को ना लगे, तो वो भी एक चीज होती है। इसको कितने मार्क्स देगा 10 में से? 6 तो जंबो किंग, बर्गर किंग या फिर बर्गर सिंह? बर्गर किंग। तू बर्गर किंग ऑन टॉप, फिर बर्गर सिंह, फिर जंबो किंग। मेरे को पर ये पता नहीं अच्छा लगा, बट जो तू खाता है ना बर्गर किंग का कौन सा वो स्पेशल? वेज वूपर सुपर नहीं। मेरे हिसाब से 10 में से 7 फिर से 6-7-8 तगड़े रिव्यू एक्सपर्ट बैठे हैं भाई। अभी तक हमारे को ऐसा कोई भी फर्स्ट कॉपी नहीं मिला जो अपने ओरिजिनल से बढ़िया हो, अभी तक तो नहीं मिला, अभी कोशिश आ रही है, मिलेगा। यार मेरे को वो रेस्टोरेंट का नाम भूल गया यार, वो अमेरिकन रोस्टेड चिकन करके कुछ था, अंधेरी में होता था उनका रेस्टोरेंट, इवन वर्सोवा में ही रादर। ब्रिलियंट चिकन, मतलब KFC के लेवल का मैं बोल सकता हूँ उसको। अब तो खैर हमने खाना खूना सब बंद कर दिया है,
कम होना शुरू हो गए हैं थोड़ा थोड़ा करके, बट धीरे धीरे ही होंगे भाई। इतनी देर में इतना वजन बढ़ा है तो इतना ही टाइम लगेगा वापस आने में ना, तो वो चीज़ है। तो अभी तो हम खाने से बहुत दूर हैं। जारी है, मिलेगा भगवान पे भरोसा रख बेटा, चलो वाह भाई साहब, स्टारबक्स की कॉपी हो गई, डोमिनोज की कॉपी हो गई और भाई साहब बर्गर किंग की कॉपी हो गई, बट अब हम जाने वाले हैं 24/7 की कॉपी। भाई बंद हो गई 24/7, सारे बंद हो गए बट एक खुल गया भाई। अभी मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरे को कुछ याद आया, जब सीसीडी पीछे से ना बहुत ज्यादा हाइप में था तो हमने एक रेडी पे पढ़ा था, वो रेडी पे ना कॉफी का काम कर रहा था बंदा, उसने लिखा हुआ चिचड़ी चिड़चिड़ी कॉफी, वो पढ़ने में सीसीडी लगता है चिड़चिड़ी कॉफी, वो बड़े फनी फनी होते हैं कई बार ना रेडी पे देखा करो नाम, वो अलग लेवल पे आएंगे। अभी ये बोलते हैं कि अभी मैं जिंदा हूँ, अभी हम जिंदा हैं। और इसका नाम पता क्या है, 24/7 का क्या मतलब हुआ, सुबह से लेकर रात तक से लेकर सुबह तक बस है ना, मतलब तुम्हारा काम है एक मेहनत करने का वीडियोस बनाने का, ऐसे दोस्त किसी को नहीं मिलने चाहिए। तो जैसे 24/7 है उसकी फर्स्ट कॉपी खुल गई है डे एंड नाइट। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है ये नॉर्मल 24/7 से ज्यादा सुंदर है। और भाई अंदर घुसते ही लेफ्ट में यहाँ पर पीटा पीटा है, और देख भाई यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन है, क्या खाएगा हम यहाँ क्यों खा रहे हैं भैया, एक पॉइंट बताना जिससे ये आपका कैफे 24/7 से बढ़िया है। सर जी अमृतसरी कुलचे मिलते हैं हमारे यहाँ, बेस्ट बेस्ट। यस सर, खाना चाहिए नहीं, वैसे जैन में तो मैंने खाया है, यहाँ के अमृतसरी कुलचे तो बहुत बढ़िया है। और क्यों अच्छा आपका 24/7? सर जी हमारा सब कुछ इम्पोर्टेंट, हमारे पास इम्पोर्टेंट सामान होता है। 24/7 पे ऐसे क्यूट भैया नहीं है ना, इसलिए एड्रेस बता दो। इधर बोले तो शैतान गली, खतरा महल, अंधेर नगर और शमशान के सामने। भैया आप ये भी बताओगे वहाँ गली के बाहर दो कुत्ते बैठते हैं, उसे राइट लेके आना और अंदर घुस जाना। चलो अब क्या टेस्ट कराओगे आप हमें बताओ, आपका फेवरेट? भैया लगाओ अमृतसरी कुलचे लगाओ। अमृतसरी कुलचे एक शॉपिंग स्टोर पे, ओके ओके गाइस, तो अब हम खाने वाले हैं यहाँ के फेमस अमृतसरी कुलचे। तो अमृतसरी कुलचे एक्सपर्ट कौन है? मैं सोच रहा था इसकी बात होगी, हर चीज में तेरा नाम लगा ले भाई, तेरे को आदत है खाने की पर टेस्ट पर ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जैसे फुकरे के नान के लुधियाना में, तो मैं भी लुधियाना से हूँ, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैं दिल्ली में रह चुका, आई हैव स्टेड इन बॉम्बे, आई हैव स्टेड इन पुणे, आई हैव स्टेड इन अहमदाबाद, आई हैव स्टेड इन बेंगलोर फॉर अ वाइल, आई हैव स्टेड इन कोलकाता फॉर अ वाइल, काफ़ी जगहों पे मैं रहा हूँ। तो बट मैंने एक चीज़ देखी है, लुधियाना एक ऐसा शहर है जहाँ पे कहीं की भी कोई स्पेशलिटी हो, चाहे महाराष्ट्रियन गुजराती कोई भी, लुधियाना में उसका बेस्ट वर्जन आपको मिल जाएगा। अमृतसरी कुलचे, ढोकला, फाफड़ा, ये वो सब मिल जाएगा आपको लुधियाना में। का एक्सपीरियंस मुझे ज्यादा है, मैंने हर जगह खाया है, अमृतसर में जाएगा है। हां भाई गोल्डन टेंपल के बाहर भी खाया है, हां वहां बहुत बढ़िया मिलता ब्रो। हेलो भाई, वी गोना टेस्ट, हेलो गजब भाई, हेलो मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं ले बटर लगाओ पूरा भर भर के गाइस, ये ले बटर खा के खा, सारा सच में कर गया, सारा बटर डाल दिया, टेस्ट नमकीन है जी, दोबारा देख रहे हैं बटर खा के खा, ओ जी खा गया सच में कर गया, थोड़ा भाई कैसे, अरे बाप रे इतना खाएगा जुलाब हो जाएगा भाई। अमृतसरी कुलचे को मैं रेट करना चाहूंगा 10 में से 10, तो कितना देगा? बढ़िया है, 10/10 है। तो भाई 10/10, पहली बार ऐसे किसी आउटलेट पे हम आके 10/10 दे रहे सब चीजों को, तो मतलब समझ लो कुछ तो स्पेशलिटी है, बढ़िया भाई, इनसे बेटर तो है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत हैं। बटर मुंह में जाने के बाद स्मूथली है ना आनंद, पहले रुकावट आ रही थी, काट दियो भाई, और एक काम करियो इसको भी काट दियो। हाँ भाई तू तो ना सबे, अरे यार सब्वे के लुधियाना में आपको बड़े वर्जन मिलेंगे, हॉज कैफे हमारा, मेरे दोस्त का ही है, मेरा एक दोस्त है उसका नाम है ब्लेसी, उसका खुद का रेस्टोरेंट है कोरियन स्ट्रीट फूड करके, तो मतलब वो भी है। तो अब तो सब्वे के तो बहुत कॉपियां आ गई भाई, लुधियाना में तो मतलब अति है कॉपियों की, मैं तो खुद
अगर मील में मेरे को कोई चीट करना होता मैं सब भी खा लेता हूँ। तो गाइस अब 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद और पूरा सोने के बाद हम आ गए हैं सबवे की फर्स्ट कॉपी पे, जिसका नाम है सब हब। भाई देखो सबवे तो मैं बहुत खाया, बट मेरा फेवरेट एक ही ऑर्डर होता है, पनीर टिक्का सैंडविच लो फैट। तू क्या खाता है? कुछ भी चलता है तो। ये तो डंपिंग यार्ड है, इसके अंदर कुछ भी डंप कर लो, अगर बटर हो बटर पूरा का पूरा डाल दो, कोई चीज हो ये अपने अंदर डलवाई लेता है। तू क्या खाएगा? चलो अब हमने ऑर्डर कर दिया है, मतलब यार लिटरली जासूस भाई बटर खा गया पूरा। मैंने अपना सेम ऑर्डर रिपीट कर दिया, इसको और तो मीठा ही खाना होता है। तू क्या खाएगा? मैंने वो शम्मी वाला करा, शम्मी इसने कबाब शम्मी वाला कोई ऑर्डर करा, तो आओ इसकी मेकिंग देखते हैं और फिर टेस्ट रिव्यू करके बताते हैं। भाई देख है तो कड़क लग रहा है, फीलिंग तो फुल है। अरे कुकी मिली नहीं भाई, भाई पूरी फीलिंग, फीलिंग तो देखो पूरी है भाई, हम खा के बताते कैसा है। बट कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे ना, मेरे को जो इनके बंस है वो अच्छे नहीं लग रहे, सब्बे के बहुत बेटर है। या फिर आप ऑनेस्टली देखोगे, लुधियाना में मैंने कहीं पे भी मतलब ये वाले बंस नहीं देखे हैं, मल्टीग्रेन ये वो सब मिल जाता है। ब्रेड मोटी लग रही, फिलिंग कम है, जो फिलिंग है वो काफी फ्रेश है और बढ़िया है। मैं बता रहा हूँ मुझे सिर्फ इसकी ब्रेड अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ब्रेड जो है ना वो बहुत ज्यादा मोटी है। अरे देखा मैंने पहले ही बोला ये ब्रेड का इशू है। देखो ना ये ठीक है भाई। हाँ। अगर इसकी ब्रेड पतली करी जाए, मल्टीग्रेन लगा दें और टोस्टेड ब्रेड कर दे, ओए होए 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 क्या स्वाद लग गया। मैं एक बात बोलूं, अच्छा है, अच्छा है ना, मैं बोल रहा हूं यार अच्छा, मतलब वो पहले स्टार्टिंग में ज्यादा ब्रेड मोटी आ रही थी तो मेरे को ना टेस्ट नहीं आ रहा था, बट अब बहुत अच्छा लग रहा है यार। हमें वो कुकी चाहिए भाई, हाफ रेट में कहां है 100 रुपए का, जिसको पैसे बचाने हैं मैं कह रहा हूं सबवे में जाओ, सबब जाओ, सबब खाओ। 10 में से कितने मार्क्स देगा? 9। मैं भी 9। आज तू तो 0 दे ना। मैंने एक पॉइंट काट लिया ना, मैंने चलो कुकी नहीं मिली ना। सबब हम रिकमेंड करते हैं। ये किसका है भाई कॉपी? ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम आ गए हैं KFC की फर्स्ट कॉपी पे, जिसका नाम है FFC। FFC भाई ये मेन्यू देख, क्रिस्पी बोन स्लाइस, स्पाइसी क्रिस्पी लेग, चिकन सीख कबाब। बट बात में क्या है, हम वेजिटेरियन है तो हमारे में टेस्ट कौन करेगा? ये फिर KFC की कॉपी क्या करने गए हैं? क्या तू टेस्ट करेगा इसको आज धर्म भ्रष्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं भाई, एक तो वेजिटेरियन, ऊपर से नवरात्रे चल रहे, जय माता दी, वेजिटेरियन ढूंढो कुछ। आओ अंदर चलते हैं। हेलो भाजी, क्या हाल है? बढ़िया, वेज भी है। भाजी एक बात बताओ, ये आपने नाम FFC क्यों रखा है? FFC भाजी इंडियन ब्रांड है। अच्छा KFC से क्या रिलेशन है? उसका बड़ा भाई छोटा भाई? इसके भी अपने 1300 आउटलेट हैं पूरे इंडिया। क्या बात कर रहे हो? KFC के पापा जी, भाई नहीं भाई, हमें तो पता नहीं था पाजी इतना छुपे रुस्तम निकला FFC। तो क्या वेज खिलाओगे आप? नॉन वेज तो नहीं खा पाएंगे। क्या क्या हम फिर ऑर्डर करते हैं? पनीर पॉपकॉर्न है ना? पक्का वेज? देखो वर्जिन मोहितो पीनी है और मैं लूंगा लीची। ठीक है भैया, ये 3 मोहितो बना दो। 15 मिनट्स लेटर। बट ये तो फिर कंपैरिजन ही ना हुआ, अब KFC में लीची कहां से लाओगे? भाई आई स्वेयर टू गॉड, मैं आज तक KFC का भी कभी कुछ नहीं खाया। क्यों? लाइफ में आज तक नहीं खाया। क्यों? सब मुझे लगता है नॉनवेज होता है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं। एक बर्गर आता है उनका वेज। नहीं, उनके वेज बर्गर अच्छे हैं KFC वालों के। मैं KFC की एक चीज मेरे को अच्छी लगती थी, वो आनी बंद हो गई, दैट इज चना बर्गर। वो चना स्नैकर करके आता होता था, वो आना बंद हो गया था। बट आज हम खाने वाले FFC। यहाँ पनीर है, यहाँ पनीर है। ये देखो, तुम देख रहे हो क्या मस्त सर्विस है इसका। एक बार ये देखो, अब ये पहले टेस्ट तो करो भाई। बड़ी टैंगी है भाई, बड़ी खट्टी है भाई। FFC में आ चुके हैं फाइनली। वर्जिन मोहितो इससे मैंने आज तक नहीं पी, मजा नहीं आया। इससे बढ़िया घटिया पी, इससे बेकार भाई। ये बढ़िया चीज है, 5 शॉट लग रहा भाई। 5 शॉट ये भी तगड़ी चीज है। रेसिपी दे सकता हूँ, घर पे बहुत अच्छी बन जाती है। यू हैव टू ब्रिंग पान के पत्ते, घर पे बहुत मस्त बनता है वो।
पहली बार इतना पनीर खाया, मतलब मैं पनीर खाता नहीं हूँ, इतना अच्छा लगता नहीं, लेकिन ये काफी अच्छे हैं भाई। कितने मार्क्स देना चाहिए 10 में से भाई? खाने क्वालिटी पैकेजिंग डिवाइस में पेमेंट पैकेज नहीं आता बेस्ट। ये चाहिए था, टैंगी था, पनीर बहुत प्यारा भाई। सही बताऊं, मैंने ये दो ड्रिंक्स पी, ये मेरे को बिल्कुल अच्छी लगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा पांच शॉट, और पनीर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पनीर। बट यार वो ऑन चॉइस भी हो जाएगा ना कि ये वाला इसको अच्छा लगा, वो वाला उसको नहीं लगा। इससे एक चीज जाहिर हो गई, चाहे मेन ब्रांड हो या फिर उसकी फर्स्ट कॉपी हो, स्वाद खाना सब बना रहे हैं। खाना स्वाद होना चाहिए, ऐसा नहीं है फ्रेंचाइजी में जाओगे तो ये अच्छी चीजें मिलेंगी। ये फैक्ट हो गया, क्योंकि मैं ऐसा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लोग सोच लो नहीं यार, लोगों की एक सोच हो जाती है कि नहीं मैं डोमिनोज खाता हूँ तो मैं डोमिनोज का ही खाऊंगा, मैं KFC खाता हूँ तो मैं KFC का खाऊंगा। इवन मुंबई के अंदर जम्बो किंग इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, जो इन्होंने दिखाया भी। एंड मुंबई के अंदर मेरे को नाम अगर याद आएगा उस रेस्टोरेंट का, आई टेल यू, यू कैन ट्राई KFC वाला, सेम स्टफ ओवर देयर, बहुत टेस्टी है। एंड अगर अभी हुआ तो, बिकॉज बहुत देर हो गई उस चीज़ को। एंड अगर मैं बात करूँ, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जैसे कोई एक लोकल पिज्जाज बना रहे लोग, अब ऑब्वियसली उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब जैसे इसमें इन्होंने रोमिनोज दिखाया, रोमिनोज इज़ ऑलमोस्ट कुकिंग टू देम। अब लुधियाना के अंदर डोमिनोज करके भी कुछ है मेरे ख्याल से, डोमिनो पता नहीं ऐसे कुछ करके है, तो वो चीज़ हम देखते हैं। हर सिटी में है कुछ ना कुछ ऐसा। एक माइंडसेट होता है कि अगर मैं डोमिनोज का रोमिनोज जा रहा हूं तो वो बेकार होगा, KFC का FFC जा रहा हूं तो बेकार होगा, ऐसे नहीं है। सब नहीं है, बहुत स्वाद था FFC, मेरे को बहुत स्वाद लगा। रोमिनोज भी बहुत प्यारा था, गार्लिक ब्रेड, कॉपी रोमिनोज तो ऐसा था असाइनमेंट कॉपी पेस्ट कर दिया बच्चे ने ऊपर नीचे। बर्गर सिंह वाज गुड, बहुत प्यारा। जंबो किंग तो तुम लोग कह रहे हो ना, बर्गर किंग में, बर्गर सिंह में यूनिक टेस्ट था, बर्गर सिंह की यूनिक कॉपी है, वो यूनिक टेस्ट था। और 24/7 के जो अमृतसरी कुलचे थे वही बेस्ट था भाई, बेस्ट वो कहीं। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरी राय है आप सबके लिए, नई नई चीजें ट्राई करते रहो, नई नई फ्रेंचाइजियां घूमते रहो, टेस्ट करते रहो, यू नेवर नो तुम्हारे को कब मेन फ्रेंचाइजी से अच्छी वो चीज। स्पेसिफिकली फूड के मामले में ना, अपने आप को स्टक मत करो। हाँ, यू कैन कीप अप द वैरायटी ओपन, कि हाँ आप कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करो तो आपको बेनिफिट रहेगा, स्पेसिफिकली ऑन टेस्ट। बट हाँ, एक चीज़ है जो मैं, मतलब ये मिथ मेरा कैसे टूटा था कि KFC के जो चिकन पॉपकॉर्न जाते हैं उनसे बेटर कोई नहीं बनाता, तो वो बड़े सही होते थे, तो वो मेरा ब्रेक करा था। लुधियाना में एक बंदा बना रहा है भाई, वो अलग ही भाई, उसके खा लिए तो अलग सीन हो गया। इट इज़ जिमीज करके, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ऑब्वियसली तुम्हें लग रहा होगा कि वीडियो बहुत लंबी स्ट्रेच हो गई मेरी, बट मेरा पता क्या होता है, रिएक्शन के टाइम पे ना इनपुट अच्छे तरीके से दो, ताकि आप अगर सिर्फ वो वीडियो देखना चाहते हो, फुकरे की वीडियो देखना चाहते हो, तो आप जाके वहाँ पे देख सको। तो मेरा होता है कि अपना जो पूरा थॉट आए उस चीज़ को लेके वो बोल दो, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, और सब्सक्राइब जरूर करना। आखिरी छोटी सी वीडियो बजिस लगे, लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इसी बात के लिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप देखना चाहते हो द OG फूड रिव्यूअर्स को वापसी एक फूड वीडियो में, तो इस वीडियो में 5,000 लाइक्स करना, क्योंकि अगर 5,000 लाइक्स नहीं आएंगे तो ये दोनों को हटा देंगे और मैं अकेला आ जाऊंगा। 1,00,000 भी नहीं आए। आ करो आ। नाइस नाइस नाइस। FFC तो शायद लुधियाना में भी है, बट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। विल सी इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद, मिलता हूँ बहुत जल्दी। और अगर आप चाहते हो कि मैं फुकरा की और वीडियोस पर रिएक्ट करूँ, तो इस वीडियो पे 5,000 लाइक्स कम भी करोगे चलेगा, मैं कर दूंगा रिएक्ट।